गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो फाइनली बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम आए हुए हैं कुछ चिल करने के लिए फार्म हाउस में, और फार्म हाउस जो है तकरीबन गढ़ाप साइड में है, और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 11 बज रहे, और हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं सारा जो है आज आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा फार्म हाउस। फार्म हाउस बहुत ही रीजनेबल प्राइस में जो है यहाँ पे हमें जो है वो बुक करवाया है। फाइनली हम लोग फार्म हाउस में पहुंच चुके हैं। अब आके की तफसील के साथ आकाश आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। देखें ये हम लोग फार्म हाउस आ चुके हैं, ठीक है, और फार्म हाउस हमें थोड़ा सा अच्छा लगा है, और हम लोग अभी क्रिकेट नाइट मैच का होगा। पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा होगा जो होगा वो होगा नाइट मैच, ठीक है। नाइट मैच के बाद हम लोग लंच करेंगे, लंच के बाद हम लोग लंच नहीं डिनर करेंगे। सॉरी अबे साले गाइज, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि करण साहब का जो है बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे टू यू करण साहब। थैंक यू सो मच भाई जान। आप जो है अपनी बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको जी, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, तब विमान साहब थोड़ा बिजी थे हम लोग सब, तो इस वजह से बर्थडे का नहीं ले पाए। बाकी ये कि इंशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ठीक है सुशील, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? हम लोग जाएंगे अभी पूल में। यहां पे हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और क्या। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मज़ा आ रहा है। वो थैंक यू। सो आपने एंजॉय किया, आपने क्रिकेट खेला? हाँ, क्रिकेट बहुत। अभी तक पूल में नहीं गए मेरे ख्याल से? क्यों नहीं गए? जाएंगे। कब जाओगे? थोड़ी देर बाद जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे गए थे अंदर? हाँ। कैसा है? वो सही है, बस इतना खास नहीं है। कहाँ पे? एक दो बॉल गायब हुई है। अच्छा, हाँ सही है। तो स्नूकर खेला आपने? स्नूकर खेला, ठीक है। और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? हमारे सही है, अंदर अच्छा है काफ़ी। सिर्फ अच्छा है? अच्छा है बस। अच्छा, तो आप फैमिलीज को रिकमेंड करेंगे ये? जी सही है, मतलब आ जाए भले। अच्छा, छोटी छोटी फैमिली के लिए काफ़ी है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके अलावा जो है आप ये गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बारबेक्यू का सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पे हमने। बहुत अच्छा फार्म हाउस है, रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा ये फार्म हाउस। तकरीबन जो है वो सब आ सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो अब मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे मिस्टर जशवंत साहब। अब वो आपको बताएंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे फार्म हाउस आने का। एक्सपीरियंस अभी हद तक अच्छा रहा है। असल में बॉयज होता है ना, थोड़ी तफरी होती है, एक अच्छा। फैमिली वाला नहीं होता, तो ना मतलब बाउंड नहीं होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? झूले चाहे 10 तरीके की चीजें चाहे होती है यहाँ पे, बहुत मतलब हर चीज मिनिमाइज हुई है। ओके, सो जो अफोर्ड नहीं कर पाते उन लोगों को आप रिकमेंड करेंगे? हम लोग जैसे बॉयज हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे लिए बेस्ट है ये। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ओके, थैंक यू सो मच, यू कैन एंजॉय। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद है, उनसे अब मैं आप लोगों को इंटरेक्ट करवाता हूँ, सबसे एक एक करके इंटरेक्ट करवाऊँगा मेरे साथ जितने भी लोग आए हुए यहाँ पे। कैसे आप? आई एम गुड। तो कैसा मज़ा आ रहा है आपको? बहुत इंजॉय हो रही है, और मतलब जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हमें इंजॉयमेंट मिल रही है। और आप भी हमारे साथ एंजॉय करें, वीडियो देख के आपको खुशी मिलेगी और एक्साइटेड और होगा। थैंक यू सो मच।
मजा आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे आप, जैसे कि मैं झूला खा रहा हूँ और ये बैक ऑफ द कैमरा जो है चंदन साहब, क्या नाम है आपका? चंदर जो है अभी वो मेरी वीडियो ले रहा है। बैक ऑफ द कैमरा जो है वो चंदर है। और ये देखे, ये हमारे गरीब के बच्चे खा रहे हैं, दो गरीब के बच्चे। भाई तकरीबन टाइम हो रहा है 3:30 और पीछे जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। पीछे बताओ, और यहाँ पे हमारे साथ एक और फार्म हाउस है, वहाँ पे भी लोग आए हुए बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, हम लोगों से ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अरे आपको तो कैसा है फार्म हाउस, आपके रिकमेंड करना चाहेंगे किसी को ये फार्म हाउस? बहुत अच्छा फार्म हाउस, यहाँ स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक जगह भी है। और ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये पूरी स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्ट एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। स्क्रिप्टेड है, ठीक है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। आप देखिए इस फार्म हाउस के बारे में, क्रिकेट की बहुत चली गई है और यहाँ भी फार्म हाउस है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड है। तो सही है भाई, ये जगह देख सकते हैं आप लोग, ये जगह है और यहाँ पे ये सारे इसलिए बैठे हुए हैं कि बॉल जो है उड़ गई है सारी। तकरीबन हमारे पास जो है 4 बॉल थी और वो चारों की चारों बॉल जो है वो शॉट खेलने की वजह से बाहर चली गई है, तो उसकी वजह से जो है अब ये सारे जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जो है पूरा फार्म हाउस में आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। पेन जो इसी में, पेन नहीं आपका, यही चाहिए पूरा।
और ज़्यादा गहरा नहीं है। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये इस तरफ बहुत ज़्यादा गहरा है, ये देख सकते हैं आप। जैसे जैसे मैं यहाँ पे जाता जाऊँगा ये गहराई इसकी जो है वो बढ़ती बढ़ती जाएगी। आगे जो है 4.5 फुट के करीब है और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे 7 फीट के करीब जो है पहुँच जाएंगे आप। तो हमारे 2-3 बंदे हमारे डूबते डूबते बच गए यहाँ पे और मैंने उनको बचाया। अच्छा हमको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अगर आप इसके सहारे यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा, तो वहां से अगर आपको यहाँ पे आना है तो इसके थ्रू आए। ओके उजाला। अब आप मेरी स्विमिंग चेक करें। बैक ऑफ द कैमरा हमारे सुशील साहब है, ठीक है, वो अभी वीडियो बना रहे। सुशील साहब आप अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाइएगा कैमरे की तरफ। अच्छा नहीं वो नहीं आएगी, वो नहीं होगी, ऐसे कर सकते हो। ये वीडियो, अब हम जो है यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। ये सारे जो है तैयार हो चुके हैं, अब हम बस यहाँ से निकलने वाले। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। भैया यहाँ पे मैच फिक्सिंग हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेईमानी हो गई जिसकी वजह से ये मैच जो है बंद हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। भाई ये मैच जो है अब ख़त्म हो गया, हमारी बैटिंग थी लेकिन इन लोगों ने बहुत बेईमानी की, ये देख रहे बेईमान आदमी। हम अच्छे खासे जीतने वाले थे, हमें सिर्फ 5 बॉल में 2 रन बनाने थे लेकिन इन लोगों ने जो है वो गन कर दिया बीच में और जिसकी वजह से हमारा मैच जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम जा रहे हैं खाने के लिए, खाने में है बिरयानी।